जय हिंद, नमस्कार। तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू होने के बाद रद्द की गई प्रक्रियाधीन पुरानी भर्तियों को लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसको लेकर एक बार फिर से युवाओं में कहीं ना कहीं एक माहौल सा बनता दिखाई दे रहा है। उनमें एक उम्मीद जगी है कि शायद उन्हें कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा, और होना भी यही चाहिए। सरकारें भले ही मनमानी करें, लेकिन न्यायालय तो सभी के लिए बराबर है। और क्योंकि सरकार व सेना तो पहले ही साफ साफ कह चुके हैं कि अब सभी पुरानी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं, इसके बदले इन युवाओं को 2 साल उम्र में छूट भी दे दी गई है। अब देखिए, यहां पर सरकार ने उम्र में छूट देकर इस केस को और अधिक उलझाने का काम किया है। यह काम इसलिए किया गया है ताकि कोर्ट में सुनवाई के समय सरकार इस बात को भी कह सके कि जिन युवाओं का एग्जाम व एयरफोर्स भर्ती का रिजल्ट व एनरोलमेंट लिस्ट जारी होना पेंडिंग था, उन युवाओं को तो सेना भर्ती के लिए 2 साल उम्र में छूट देकर उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया गया है। यानी अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, कोर्ट में यह दिखाने के लिए कि सरकार ने तो युवाओं के हित में भी सोचा है, इसलिए उम्र में छूट का इस तरह से दिखावा किया गया है। जबकि सच तो यह है कि 2 साल से अधिक समय तक सेना भर्तियों पर रोक होने के चलते जो युवा ओवर एज हुए हैं, उनको तो उम्र में छूट वैसे भी दी जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने यहाँ पर उम्र में छूट दिए जाने को भर्तियां रद्द किए जाने से जोड़ दिया है। और फिर उम्र में छूट भी तो सभी युवाओं को नहीं दी गई है। वहीं इस मामले में दूसरी ओर सेना ने अग्निवीर भर्ती का पहला रिटर्न एग्जाम भी करा लिया है। क्योंकि जब कोर्ट में पिछली बार इस मामले में सुनवाई होनी थी और उस वक्त जब सरकार ने इसको लेकर कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा था, तब उस वक्त भी इस तरह की चर्चाएं तेज थी कि सरकार ने जानबूझकर इसको लेकर इतना समय मांगा है ताकि अग्निवीर भर्ती का एग्जाम, जो रिटर्न एग्जाम है, वो करा लिया जाए। यानी सरकार इस मामले में जानबूझकर देरी कर रही है। लेकिन फिर भी इस मामले में अभी तक सब कुछ साफ है, क्योंकि युवाओं की मांग है कि उनका आर्मी का पुराना एग्जाम कराया जाए, एयरफोर्स भर्ती का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाए, सभी युवाओं को 2 साल उम्र में छूट दी जाए। और इन मांगों को पूरा किया जाने में नई भर्ती कहीं भी आड़े नहीं आ रही है। देखिए साथियों, फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मामले में सरकार और भी वक्त मांगती है या फिर इस मामले में कुछ निष्कर्ष निकलता है, कोर्ट इस मामले में किसी फैसले पर पहुंचता है। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।